ये पीछे मशीन लगी हुई है कनक काटने वाली, और इसको बोला जाता है दांतरी। जब मशीन खेत में चलती है तो साइडों वाली जो जगह होती हैं वहाँ पे थोड़ी सी फसल जो है वो रह जाती है, जैसे यहाँ पे, तो फिर इनको किसान लोग जो हैं वो पकड़ के इस तरह से और ऐसे उतार लेते हैं। उतारने के बाद फिर वो सेंटर में जहाँ पे मशीन चल रही होती है वहाँ पे फेंक देते हैं। अब मैं उस गाड़ी के अंदर आ गया हूँ जहाँ पे ड्राइवर साहब बैठ के कनक जो है उसकी कटाई करते हैं। बाहर का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। ये ड्राइवर भाई है, कटना के साजिद भाई हैं हमारे साथ जो कनक की कटाई कर रहे हैं। जो जगह है बैठने की ड्राइवर की, वहाँ पे इतनी गर्मी हुई है, बहुत ज़्यादा गर्मी हुई है, जहाँ पे छोटा सा ये पंखा लगा हुआ है और पसीना जो है वो बहुत जोरों शोर से नीचे गिर रहा है। ये जनाब साहब कनक जितने भी कटी है उसके बाद ये मशीन में से बाहर निकल रही है। नीचे कपड़ा बिछाया हुआ है, इसके ऊपर सारी कनक जो है वो रखी जाएगी। और ये मशीन का शीशा साफ कर रहे हैं क्योंकि गंदा हो गया बहुत ज़्यादा। मशीन की टंकी जब फुल हो जाती है फिर इस तरह से मशीन में से कनक जो है ना वो बाहर निकाल ली जाती है। हम लोग समझने के लिए इसको टंकी बोल देते हैं, लेकिन इसको पड़ोला बोला जाता है। ये रुमान भाई हैं, उस्मान, इन्होंने सारी ये जो कपड़ा है वो बिछा दिया। जैसे ही उधर वाली जो पल्ली बिछाई हुई है वो फुल हो जाएगी, बाहर निकलने लग जाएगी, फिर उसको इस तरफ कर देंगे। अभी जब मशीन साइड पे जाती है फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कनक किस तरह की है, मतलब कि ये साफ़ है या नहीं है, मशीन की जो प्रोसेसिंग होती है वो किस तरह की होती है।